जाने बहारा रश के चमन ऊंचा दहन से बदन ऐ जाने मन ऐ नाज पर नासाफरी लाखों हंसी है तुझसा नहीं रंगी अदा तो बाकी जाने कब जाएंगे अजाब जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सबा रंगी अदा तौबा शिकन ऐ जाने मन बहुत खूब बहुत खूब बहुत प्यारा बहुत आला वाह शुक्रिया सर वाह भाई जमाल मियां क्या खूब गाया आपने बस ये आप लोगों की जरा नवाजी है वरना सुर के समंदर में तो मैं कतरा है छोटे से क्यों कसे नफसी से काम ले रहे हैं अरे आप तो कई नामवर नामी ग्रामी फनकारों से बहुत अच्छे हैं मोहब्बत है सर कदरदान है आप सुर के वाह मजा आ गया क्या खूब कहा आपने जन्नत की हूरें क्यों मलिक साहब भाई बहुत उम्दा बहुत अच्छा गाते हैं आप शुक्रिया सर ये आप जैसे कदरदानों के सामने ही गाने का मजा आता है भाई इंशाल्लाह हमारे दोस्तों की कभी महफिल हुई आपको ज़रूर याद करेंगे और बात दरअसल ये है कि क्या सुर से सुर मिलाया आपने बड़ी सुरशनासाई है बड़े साहब को मलिक साहब माशाल्लाह आपकी तो सोसाइटी में बड़ी कदर है अगर जमाल साहब की किसी अच्छे मौसीकार से बात हो जाए तो घर का चराग चराग महफिल हो जाए ज़रूर ज़रूर मैं कोशिश करूँगा अभी चलता हूँ वक्त बहुत हो गया है इजाज़त चाहूँगा शुक्रिया सर आप कोशिश कीजिएगा मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह फवाद तुम अंदर बैठो मैं तुम्हारी भाभी को चाय का बोल कर आता हूँ अरे जमाल भाई रहने दें क्यों भाभी को तकलीफ दे रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है आपके बहाने हम भी पी लेंगे जनाब अपने अमाल के आप खुद जिम्मेदार होंगे वो तो खैर है तुम बैठो मैं चाय का बोल कर आता हूँ ओके बेगम शाइस्ता बेगम अब क्या हुआ बेगम एक कप चाय बना दो तो बना लीजिए मैं बना लूं ये फवाद बैठा हुआ है उसके लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज आप चाय नहीं पियेंगे अगर आप बना देंगी तो मैं भी पी लूंगा तो दो कप कहिए ना एक क्यों कह रहे हैं देखती हूँ पति है भी कि नहीं चाय बना दे यार फवाद ये बताओ कि मलिक साहब की मीडिया तक रसाई है जमाल भाई कोई भी आदमी हम आपके पास ऐसा नहीं लाते जिसकी पहुंच ना हो यार 20 साल से तो इसी आसरे पर बैठे हैं कि कोई पहुंच वाला आएगा और हमें चैनल तक पहुंचा देगा जमाल भाई मुझे यकीन है कि जिस दिन आप ऑन एयर आ गए तो आपकी एल्बम यूं बनेगी यूं और फाइनेंसर आपके पीछे भागेंगे
अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलें देखते हैं आपके मलिक साहब भी कितने पानी में। भाई एक तो कस्टम अफसर, ऊपर से शौकीन मजाज, आप खुद सोचें उनकी पहुंच कहां तक हो सकती है। जाहिर है इनकम टैक्स में है तो शौकीन मिजाज तो होंगे ही, वरना शौक कहां और मिजाज कहां। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। और सुनाएं भाभी, कैसी गुजर रही है आपकी जमाल भाई के साथ? बहुत अच्छी, दोनों सुर में रहते हैं। ये हारमोनियम पे राग छेड़ते हैं तो मैं तबले पर संगत देती हूँ, ये सितार उठा लेते हैं तो मैं गिटार संभाल लेती हूँ, और फिर ये अलापना शुरू कर देते हैं। वाह, क्या सुर संगीत की जोड़ी है। खुदा आपको भी नसीब करे। जाने बहारा। तुम्हें पता है बेगम, जब मैंने ये अस्थाई छेड़ी तो लोगों ने अपने दिल थाम लिए। दिल के मरीज होंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके पास लाल साड़ी है? अरे इसको तो रख दें। जी फरमाइए। ये बताइए कि आपके पास कोई लाल साड़ी है? नहीं, क्यों? आपने कब दिलाई? मेरे तो दिल में ये हसरत रह गई कि कभी तो आप मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे। बस बेगम, एक दफा मेरा प्रोग्राम ऑन एयर जाने दो, मैं साड़ियों का ढेर लगा दूंगा, कसम से। ऑन एयर? ऑन एयर तो वो जहाज भी हुआ था जो मरगला की पहाड़ियों को अपनी माँ की गोद समझ के सो गया था। ऑन एयर तो वो भी होते हैं जो सूली पर चढ़ जाया करते हैं। क्या इस वक्त आप फांसी का जिक्र ले बैठी? आपने तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद दिला दिया। छू रहे थे जालिमों के सर मीर पैरों के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद। आमीन, अल्लाह की नेक तमन्ना पूरी करें। बहुत ही बज़ौक हैं आप। और आप ठहरे हजरत जौक के रिश्तेदार। वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। भाई ये प्याज क्या भाव दिए? 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो? क्या आग लगी इन्हें? अच्छा ये टमाटर कैसे दे रहे हो? 15 रुपए पाव है। आप ऐसा करो भिंडी ले जाओ, एकदम ताजी है। क्यों भाई, खेत से अभी अभी तोड़ के ले आए हो जो ताजी है? अरे बाजी आप क्या दाम पूछती है, बस ले जाए। क्यों, मैं दाम क्यों ना पूछूं? अरे बाजी आप जैसे लोग भी इन छोटी छोटी चीजों के दाम पूछेंगे तो हम गरीबों का क्या होगा? बाजी की कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे बाजी जमाल साहब की तो आवाज ही लॉटरी है, और आजकल तो गाने का ही दौर है। बात सुनो, अपनी औकात में रहो, सब्जी बेचना तुम्हारा काम है ना वही करो, दूसरों के घरों में ना तांग झांग करने की जरूरत नहीं है। बाजी मैं कब जा कर रहा हूँ दूसरों के घरों में? अच्छा अच्छा, बहस करने की जरूरत नहीं है, चलो ये प्याज तोल दो 1 किलो। टमाटर अच्छे वाले निकालना, कीड़े ना हो, और ये ताजी भिंडियां भी दे दो जो खेत से तोड़ के लाए हो। भाई 1 किलो चीनी दे दीजिएगा और 1 चाय का पैकेट। अरे रोको, ये तो शाइस्ता लग रही है। रिवर्स साहब, शाइस्ता, शाइस्ता। अरे शैला कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ घूम रही हो? अरे यही तो रहती हूँ मैं। यहाँ कहाँ पर? अरे इस गली में तो मेरा घर है। अच्छा कमाल है, मेरे पड़ोस में रहती हो और मुझे पता भी नहीं। कहाँ, तू कहाँ रहती है? अरे ये देखो, ये 3 मकान है ना, इसके बाद ये 4th मकान मेरा है, अभी तो खरीदा है 1 महीने पहले। अच्छा चल घर आना मेरे। अरे मेरी जानी मैं फिर चलूंगी, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, फिकर नहीं करो मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी अब तो बुराई ने तेरा घर देख ही लिया है। तेरी हरकतें अब तक वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल नहीं बदली तू। अपना नंबर तो दे जा कमीनी, इतने अरसे बाद मिली है।
बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, नंबर दे। हाँ हाँ मेरे पास भी बहुत सी बातें जमा है। अरे कमाल भाई, अगर लंदन से पैसे ना भेजे ना तो ये दाल सब्जी भी ना नसीब ना हो। फोन नंबर है मेरे पास शहरयार का, दोस्त समझकर ही बात कर लो, वो अब भी तेरी तलाश में है। मुरझाए हुए फूलों से खुशबू नहीं आती। उठ गए आप? हो गई सुबह? जाहिर है उठना तो था ही, कोई अबद ही नींद सो रहे थे क्या? तुम बताओ तुम कहां से आ रही हो? रूह की गिजा तो वाफिर है हमारे पास, पेट की गिजा लेने गई थी मैं। क्या ले आई? जितने पैसे थे ना उससे ये सब्जी ले आई हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा ने सब्जी और दाल के अलावा भी कुछ पकाना सिखाया तुम्हें? मेरी अम्मा ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मगर लाऊं कहां से? हाँ वो तो है, आप तो पकाना और तपाना तो सिर्फ मुझे ही जानती हैं। देखें सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करें। अरे खैरात के पैसों से ये दाल सब्जी पक सकती है, कोई मुर्ग मुसल्लम नहीं। खैरात? कौन सी खैरात? अरे अल्लाह का दिया खाते हैं। अल्लाह का दिया नहीं, भाई का दिया खाते हैं। अरे कमाल भाई, अगर लंदन से पैसे ना भेजे ना तो ये दाल सब्जी भी ना नसीब ना हो। हाँ तो अल्लाह मियां खुद आके तो देंगे नहीं, वसीला भी कोई चीज है। बस बस मेरा मुंह ना खुलवाए। मुंह खोलिए लेकिन जरा ढंग से, सुर से। देखो बेकार की बकवास, बेकार की बकवास चल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या कह रहे थे आप? ढंग? अगर आप कोई ढंग का काम कर लेते ना तो मैं भी ढंग सीख जाती। बेसुरे के साथ रहकर सुर कहां से लाऊं? देखो 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 बेगम, मैं अपनी तौहीन तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन सुर संगीत और कला की नाकदरी, ये तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तौहीन मैं नहीं आप कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो लय और सुर को? ऐसा बेगम, ऐसा बेगम क्या हो गया? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। अब क्या हो गया? ऐसा बेगम, कुतुब साहब का फोन है यार, जल्दी से बात करो और कहो कि मैं घर पे नहीं। अरे मैं क्यों झूठ बोलूं? अरे आपने उनसे पैसे लिए हैं तो चुका दीजिए, मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। यार बात करो ना प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कुतुब बात कर रहा हूँ। जमाल कहाँ है? जी वो तो घर पे नहीं है। ये फोन तो इसी का है ना? जी जी मैं जानती थी आप यही कहेंगे। अरे आप तो जानते ही हैं कि वो अपना फोन छोड़ के जाते हैं, अब उन्हें कोई कॉल करने वाला तो है नहीं, ना उनके घर से कोई फोन करता है ना कोई बाहर से, तो फोन तो घर छोड़ जाएंगे। उसको बोल देना कुतुब का फोन आया है। जी जी मैं बता दूंगी उनको कि आपका फोन आया था, आप बेफिक्र रहिए। और उसको बोलो पैसे दे मेरे, वरना अच्छा नहीं होगा। बता देना उसको। जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। हर वक्त मुझसे ही झूठ बुलवाना, देते क्यों नहीं उसके पैसे? अरे हाँ बाबा, तुमसे मैंने वादा किया तो आऊंगी ना शाला। बिल्कुल, बस शाम में आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। जमाल ये सुबह ही सुबह 12 बजे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? 12 बजे सुबह तो नहीं होती। आपकी तो होती है। इस वक्त तो फवाद के पास जा रहा हूँ, एक बहुत बड़े मुसिकार से मिलना है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। मेरी वजह से आपको शाम में जल्दी आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शाम में मैं अपनी एक सहेली के पास जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कौन सी सहेली? अब मेरी पुरानी सहेली है एक, शैला नाम है उसका। अच्छा भाई हम तो चलते हैं, बस आप दुआ कीजिएगा हमारा काम बन जाए, ओके? ये तो वही बात हुई, दुआओं के सहारे जीते हैं हम, ना खाते हैं ना पीते हैं हम। अरे जाने जमाल इस वक्त खफा ना होइए, और अभी बदशगुनी की कोई बात मत करना, ओके? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये बताओ कि तुम्हारी मलिक साहब से बात हुई? अरे छोड़े जमाल भाई, मैंने एक बहुत बड़े मौसीकार तक रसाई हासिल कर ली है। अच्छा, कितने बड़े हैं वो? आजकल लाहौर से आए हुए हैं, उनके एक इशारे पर आपका काम हो सकता है। नाम तो सुना होगा आपने, मौसीकार नबीद राना। अरे यार बॉस, फिर तो पहली फुर्सत में मिलवा दो उनसे यार। और अगर उन्होंने कह दिया तो समझो आपकी एल्बम बन गई। अरे भाई फाइनेंसर बहुत है उनके पास, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। काम? वो क्या? बस जमाल भाई, उनकी एक दावत अरेंज करनी पड़ेगी। दावत? अरे आओ आओ शाइफ साहब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मा ये कौन है? बेटा ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, चलें आप जाके होमवर्क करें अपना। तुम्हारी बेटी है बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू यार, चलो आओ अंदर आओ, तो बैठो। और सुनाओ शोहर कैसे हैं तुम्हारे? सुना था तुमने किसी सिंगर वगैरह से शादी की है। तुम तो बड़ी बड़ी तकरीबात में जाती होगी, है ना? हाँ की तो थी। थी क्या मतलब? ढोल देखा है कितना बड़ा होता है, पर अंदर से वो यार उसे शादी करके मैं बेजार आ गई हूँ। अरे जमाल भाई आपको तो पता है ये सब कुछ करना पड़ता है। यार चलो ठीक है, मैं इसका भी इंतजाम कर लूंगा, लेकिन यार तुम उससे जल्दी से बात करो यार। अरे जमाल भाई बात उनसे हो गई है, बस जरा कंफर्म करना पड़ेगा उनसे। बस यार तुम कंफर्म करो, मैं दावत का और पैसों का अरेंज करता हूँ, ठीक है ना? बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। यार मुकद्दर भी कोई चीज़ होती है। चल छोड़ यार। अच्छा ये बता, तुझे वो लड़का याद है, वही कॉलेज का हीरो? कॉलेज में तो सभी लड़के अपने आप को हीरो समझते थे। बन मत, मैं शहरयार की बात कर रही हूँ, वही तेरा आशिक। हाय बेचारा, किस तरह तेरे आगे पीछे चक्कर लगाता था। किस जमाने की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। अरे ये बात तो शहरयार को कहनी चाहिए, जिसने बेचारे ने अब तक शादी नहीं की। तो क्या तुम अभी उसे रابطے में हो? ऑलवेसली, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वेल सेटल्ड है, लेकिन बेचारा अब तक तन्हा है। तो क्या वाकई उसने अब तक शादी नहीं की? हाँ भाई, अक्सर तुम्हारा पूछता रहता है, कहता है शाइस्ता एक ही थी, लेकिन तुम तो शादी करके ऐसी गायब हुई कि बस। यार अब इन सब बातों का क्या फायदा? वैसे फोन नंबर है मेरे पास शहरयार का, दोस्त समझकर ही बात कर लो, वो अब भी तेरी तलाश में है। मुरझाए हुए फूलों से खुशबू नहीं आती। कदरदान महसूस कर ही लेते हैं, अक्सर कहता है कि काश एक बार सामना हो जाए शाइस्ता का। अब इस उजड़े हुए घर को देखेगा ना तो सारा नशा उतर जाएगा उसका। चलो ये भी अच्छा ही है, हसरत साथ लेके तो नहीं मरेगा बेचारा। तू बैठ, मैं नंबर लाके देती हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दे यार। अरे छोड़ ना, मुझे सब पता है, दिल में तो तेरे भी लड्डू फूट रहे हैं। वैसे कहोगी तो यहाँ उसे बुलाकर मुलाकात भी करवा दूँ। तुम बैठ, मैं तुझे अभी नंबर लाके देती हूँ। हाँ यही बताने के लिए आया था, तुम बताओ खाना तैयार है? हाँ जी तैयार है, किचन में रखा है, ले जाइए। और सुनिए अपने हिस्से का खाना भी डाल दिया मैंने। हेलो 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 हेलो
हेलो, मैं शाइस्ता। क्या शाइस्ता? Oh my God. One second. मुझे यकीन आ जाए कि तुम। हाँ शहरियार, मैं शाइस्ता शहरियार की मोहब्बत को शादी के बाद भुला चुकी थी, लेकिन शहला की मुलाकात ने हवा दी तो मोहब्बत की दबी हुई चिंगारी फिर से शोला बनने लगी। शहरियार से राब्ता हुआ, फिर से अरमान जागे, मुलाकातें तय हुई। शहरियार फिर से हवा के खुशगवार झोंके की तरह शाइस्ता की जिंदगी में ताजगी की लहर दौड़ा चुका था। आप कब आए? जब आपने देख लिया। भाई आप आज इतनी खुश नजर आ रही थी कि हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और अब आप मेरा मूड खराब कर देंगे, क्योंकि आपको तो मैं कभी अच्छे मूड में नजर आई नहीं। जाहिर है ये मूड अच्छा भी तो कभी कभी होता है। और आप आजकल जो इतना खुश नजर आ रहे हैं, क्या मैंने आपसे कभी पूछा इस बारे में? तो लीजिए बता देते हैं। भाई आपको पता है एक बहुत बड़े मौसीकार हमारे घर आ रहे हैं इतवार को, और उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। जाहिर है मेहमान आ रहे हैं, और तुम देखना इस दफा मेरा एल्बम रिलीज हुआ ही हुआ। कुछ नहीं होने वाला, इससे पहले भी इतने लोग आकर दावत खाकर गए, क्या हुआ, कहां गए वो लोग? मैं किसी के लिए कोई खाना नहीं बनाने वाली, और वैसे भी कल मुझे सहेली की तरफ जाना है। तो चले जाना, मैंने कब मना किया है? मैं तो तुम्हें इतवार का कह रहा हूँ, इतवार को आएंगे। इतवार? ठीक है, तो इतवार जब आएगा तब की तब सोचूंगी। लेकिन जैसे जैसे शाइस्ता और शहरियार के दरमियान फासले घटते रहे, इसी तरह शाइस्ता और जमाल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसी। आपकी कमीज का बटन टूटा हुआ है। हाँ? अब कोई लगाने वाला जो नहीं है, शायद इसलिए। तो क्या सारा कसूर मेरा था? नहीं, मेरा शायद मैं ही बुजदिल निकला उस दिन। और अब? और अब तो ऐसे है जैसे उम्र के नक्शे में रंग भरना। सब कुछ देख लिया शाइस्ता, जमाने की मुश्किल हमसे जो गुजारी ना जा सकी, हमने वो जिंदगी गुजारी। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मोहब्बत 20 साल। 20 साल बहुत होते हैं शाइस्ता, लेकिन ताज्जुब है कि तुम अब भी पूछती हो मुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो क्या अभी तुम मुझे अपना लोगी? तुम्हें अब भी अपना लूंगा। मेरा दिल और दर्द दोनों तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तुमने कैसे सोच लिया? एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। मगर कैसे, मुझे लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ह्यूमन की एक नेचर है कि अगर आप जब भी कहीं पे दो तीन चीज़ों के अंदर आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो आप हमेशा बेस्ट वन को चूज़ करते हैं। तो वहाँ पर वो जहाँ उनको चेंज फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पर लाइफ में ज़रा कुछ चेंज है, कि हाँ यहाँ बेटर हमें मुझे मिल रहा है अपनी ज़िंदगी का, तो देन फिर वो वहाँ फर्दर उसको चूज़ करता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा निस्बतन उसके। अरे भाई शाइस्ता बेगम, शाम हो रही है, खाने की तैयारी हो रही है ना? देख नहीं रहे आप? वही तो कर रही हूं। अरे ये तो सब पुराने सालन है, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे। जितनी भारी रकम आपने मुझे इस पूरी दावत के लिए दी थी ना, उसमें से सिर्फ एक डिश बन सकती थी, वो मैंने पका ली।
वो मौसीकार लाहौर से आ रहे हैं और बहुत बड़े मौसीकार हैं। तो क्या करूं? वो बेहतरीन खाने के शौकीन हैं और अच्छा खाते हैं। तो क्या करती? आपके गिटार के तार बुन लेती या फिर हारमोनियम के पाए पका लेती? शाइस्ता बेगम, अल्लाह के वास्ते कभी तो शाइस्ता हो जाए कर। अब नहीं हो सकती, आप फिक्र ना करें, ये इतने खराब भी नहीं है, 15 दिन से जमा कर रही हूँ। और वैसे भी अगर आपको कोई परेशानी है तो जाएं बाजार से कुछ और लें। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज भकार अच्छा लगाइएगा। आ गई ना समझ में बात? बात सुन ले, ये आज आखिरी दावत है, इसके बाद कोई मौसीकार यहाँ नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है करो। एक तो मुफ्त में खाना मिलता है और वो भी ताजा चाहिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसी का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसी का सामा। वाह जमाल साहब वाह, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। भाई बहुत खूब जमाल साहब, जैसा सुना था वैसे ही पाया, क्या कहने क्या कहने। भाई बाकी बातें तो होती रहेंगी, क्या ख्याल है हम खाना ना खा लें? जी बिल्कुल, खाना तो तैयार है और बल्कि बेगम साहबा ने आपके लिए अपने हाथों से बनाया। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं बोलता हूँ। हो गई महफिल बर्खास्त? हाँ यही बताने के लिए आया था, तुम बताओ खाना तैयार है? हाँ जी तैयार है, किचन में रखा है, ले जाइए। और सुनिए, अपने हिस्से का खाना भी डाल दिया मैंने। फवाद अरे 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 चलो तुम वो बोली भाली शौक चंचल मेरी शाइस्ता नहीं हो तुम, मेरी शाइस्ता नहीं हो तुम। शुक्रिया जमाल साहब। भाई राणा साहब मजा आ गया, खाना तो बड़ा जबरदस्त, क्या ख्याल है आप? सुभान अल्लाह मजा आ गया। भाई जमाल साहब आप तो सुरीले हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी बेगम ने खाना भी बड़ा ही सुरीला बनाया था। बस ये आपकी मोहब्बत है, आप यकीन करें कि 15 दिन से वो सामान इकट्ठा कर रही थी इस दावत को करने के लिए। भाई मज़ा आ गया, हमारी तरफ से अपनी बेगम का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द प्रोग्राम मैनेज करता हूँ, अब हम इजाज़त। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत। लो बेगम, अब समझो कि एल्बम तैयारी है। ये सब क्या है? ये बर्तन है और क्या है? ऐसे खाना खाया जाता है वहशियों की तरह? और
और ये मेरे जहेज के बर्तन, इन्हें मैंने आज तक संभाल के रखा था। प्लीज आहिस्ता बात करो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं बोलूंगी आहिस्ता, थिएटर बना के रखा हुआ है, कुछ नहीं उठाऊंगी, सब कुछ तोड़ दूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। अगर कह रहा हूँ तो दफा हो जाओ यहाँ से। जंगली औरत से बात करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, बात करने की तमीज नहीं। वैशी से मेरा ताल्लुक हो गया। शाइस्ता, तुम और इस वक्त अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। चाय। अब बताओ कि यूं अचानक कैसे आना हुआ, और ये बैग? मैं तुम्हारे पास आ गई हूं हमेशा के लिए। मैं समझा नहीं। देखो शहरयार, अब हमारे बीच में कुछ झूठ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन में जब वो इतनी जनरेट होती है कि वो एक पीक लेवल पे चली जाती है, तो देन जो है वो इंडिविजुअल जो है वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को करते हुए उसके अंदर जो एक फियर की फीलिंग होती है वो नहीं डेवलप होती है, और वो उसको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, बस सिर्फ उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है, और उसी बुनियाद पर वो शिद्दत पसंदी का जो है वो एक एलिमेंट उसमें इनिशिएट होता है, और वो फिर उसके बाद वो अटैम्प्ट लेता है कि वो किसी भी तरीके से उस चीज़ से बस जान छुड़ाए। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। शहरयार, तुमने मुझे धोखा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कॉलेज डेज से लेकर आज तक एक भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जिसने मुझे तुम्हारे ना होने का एहसास दिया हो। मैं कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूं? लेकिन तुम वो भोली भाली शौक चंचल मेरी शाइस्ता नहीं हो तुम, मेरी शाइस्ता नहीं हो तुम। तुम एक कातिल हो, कातिल हो। और मैं किसी कातिल से प्यार नहीं कर सकता। मैं किसी कातिल से प्यार नहीं कर सकता। किसी कातिल से मैं प्यार नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो शहरयार। शायद मैं ही गलत थी। इंस्पेक्टर साहब,
शहरयार की बरवक्त इत्तला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पहले जमाल को अस्पताल पहुंचाया और फिर शहरयार के घर से मुलजिमा शाइस्ता बेगम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जमाल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया था, अभी वो जिंदा था। डॉक्टरों ने जमाल को बचाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी और बिलाखिर वो जमाल को बचाने में कामयाब हो गए। जमाल चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आ गया था, लेकिन अब उसका दिल संगीत से उठ चुका था। जबकि शाइस्ता को अपने किए पर शदीद नदामत थी, जमाल से वो मुआफी चाहती थी, लेकिन जमाल ने शाइस्ता को मुआफ करने से इनकार करते हुए उसे तलाक दे दी और खुद लंदन भाई के पास चला गया था। शहरयार ने भी शाइस्ता को अपनाने से इनकार कर दिया था। रस्म सजदा भी उठा दी हमने, जुल्मते इश्क बढ़ा दी हमने, दिल को आने लगा बसने का ख्याल, आग जब घर को लगा दी हमने।